गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन क्लास फोर्थ। आप पढ़ रहे हैं कक्षा चार से पांचवा पाठ, द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। आप पढ़ रहे हैं द पिकॉक, पिकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, बर्ड पक्षी। द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड पाठ का नाम है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। नेम द बर्ड्स इन द अबव पिक्चर्स। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में कुछ पक्षियों के चित्र हैं, तो आपको इनको पहचानना है कि इनके नाम क्या है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये एक चिड़िया है, ये तोता है और ये मोर है। चिड़िया को हम कहेंगे स्पैरो, ये क्या है, गौरैया। स्पैरो पैरट, तोता को क्या बोलते हैं हम, पैरट, पैरट। और ये है मोर, पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर। नेम द बर्ड्स इन द अबव पिक्चर्स, स्पैरो पैरट पिकॉक। व्हेन डू वी ऑफन सी अ पिकॉक, हम मोर को प्राय कब देखते हैं, मोर को हम प्राय कब देखते हैं, तो मोर को जब वर्षा ऋतु होती है तब हम ज्यादातर वर्षा ऋतु में देखते हैं। वी ऑफन सी अ पिकॉक इन रेनी सीजन, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु। वॉट डू यू नो अबाउट अ पिकॉक, आप मोर के बारे में क्या जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं मोर के बारे में, पिकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, इट इज अवर नेशनल बर्ड। मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है और यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर तो बहुत सुंदर होता है, आपने मोर देखा होगा कितना सुंदर होता है। ये देखो मोर, कितनी अच्छी इसकी नीली कलर की चमकीली गर्दन होती है, कितने सुंदर उसके पंख होते हैं, पंखों में कितनी सुंदर ये डिजाइन होती है। इसीलिए इसकी सुंदरता को देखते हुए ही इसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बर्ड्स एंड क्रीचर्स दैट हैव फेदर्स विंग्स एंड अ बीक, ये पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पर पंख डैने और एक चोंच होती है। बर्ड्स आर क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब होता है प्राणी, ऐसे प्राणी होते हैं पक्षी दैट हैव फेदर्स विंग्स एंड अ बीक, उनके क्या होते हैं, पर होते हैं, पंख होते हैं और बीक, बीक मीन्स चोंच, चोंच होती है। दे आर वार्म ब्लडेड क्रीचर्स एंड आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इंटू एक्शन, दे आर वार्म ब्लडेड, ब्लड यानी खून, वार्म मीन्स गर्म, तो वे गर्म खून, वार्म ब्लडेड मीन्स गर्म खून, तो वे गर्म खून वाले जीव होते हैं क्रीचर्स, क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब होता है ये आपके प्राणी है ना, तो ये गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। एंड और ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इंटू एक्शन, और हमेशा वे गति में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक ऐसे पक्षी होते हैं जिनके पर होते हैं है ना, फीदर्स, तो फेदर्स, फेदर्स मीन्स होते हैं उनके पर, विंग्स यानी पंख, बीक मीन्स चोंच ये होती है। वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून, क्रीचर्स यानी प्राणी होते हैं और हमेशा तेज गति में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक्शन इन इनफैक्ट बर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर ऑफ ऑल लिविंग बींग, हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई एंड द पिकॉक इज वन ऑफ देम। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब क्या हुआ, वास्तव में, इनफैक्ट यानी वास्तव में बर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ये पक्षी जो हैं वो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली उड़ने वाले होते हैं। पावरफुल यानी मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल का मतलब होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली फ्लायर यानी उड़ने वाले, ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स, उनमें जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें जीवित प्राणियों में सबसे अच्छे
उड़ने वाले सबसे शक्तिशाली प्राणी होते हैं। हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई एंड द पिकॉक इज वन ऑफ देम। तथापि सभी पक्षी अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई, ज्यादातर जो पक्षी होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। एंड द पिकॉक इज वन ऑफ देम, और मोर उनमें से एक होता है जो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता है। देयर आर मोर देन 2000 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स इन अवर कंट्री। हाँ, देयर आर मोर देन 2000, कितने 2000 की संख्या में, जो ये आप देख रहे हैं 2000 की संख्या में, ऑफ बर्ड्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। क्या है? 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। किसकी? मोर की। या आप जो देख रहे हैं ना, इतना सुंदर मोर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी 2000 से ज्यादा की प्रजातियां हैं अवर कंट्री, हमारे देश के अंदर। अमंग दीज द मोस्ट ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव एंड ब्रिलियंटली कलर्ड वन इज द पिकॉक। मोर जो है इसकी कितनी प्रजातियां थी? 2000 से अधिक की। अब इनमें से अमंग दीज का मतलब इनमें से द मोस्ट ब्यूटिफुल यानी सबसे सुंदर, आकर्षक एंड ब्रिलियंटली कलर्ड यानी बहुत चमकीले रंगों से युक्त कौन है? वन इज द पिकॉक। कौन है? मोर है। इनमें से एक सबसे अधिक सुंदर, आकर्षक तथा चमकीले रंगों से युक्त कौन है? मोर है। इट इज ऑल्सो अवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। बर्ड मीन्स पक्षी और नेशनल यानी राष्ट्रीय, तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। कौन? मोर। इट हैज मैनी कलर्स, है ना, इसके कई कलर्स यानी इसके अनेक रंग होते हैं। इसके कई रंग होते हैं, कलर्स मीन्स रंग, इसके कई रंग होते हैं। दिस चार्मिंग बर्ड इज अ फैमिलियर साइट ऑल ओवर द कंट्री। यह जो पक्षी है मोर, यह आकर्षक पक्षी पूरे देश में एक सुपरिचित दृश्य रखता है। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, सुपरिचित, है ना, और साइट मीन्स दृश्य, तो ये हमारे पूरे देश में एक सुपरिचित सुंदर आकर्षक दृश्य रखता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फिशियंट। अब ये जो है, ये फैजन्स, लंबी पूछ वाले पक्षी, फैजन्स को हम कहते हैं लंबी पूछ वाले पक्षी की जो प्रजाति होती है। तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली, फैमिली यानी परिवार, फैमिली ऑफ फैजन्स, तो ये जो है वो लंबी पूछ वाले पक्षी के वर्ग का सदस्य है। ये जो मोर है ये लंबी पूछ वाले पक्षी का जो परिवार होता है उसका सदस्य है। द फीमेल इज कॉल्ड द पिहेन एंड द मेल पिकॉक, कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड पीफॉल। अब देखिए, द फीमेल यानी जो मादा होती है, फीमेल का मतलब मादा, द फीमेल इज कॉल्ड द पिहेन, जो मादा होती है उसको कहते हैं मोरनी, पिहेन मीन्स मोरनी, एंड द मेल पिकॉक, और जो नर को मोर कहा जाता है, जो नर होता है उसे हम कहते हैं मोर, और जो फीमेल यानी मादा होती है हम उसको कहते हैं पिहेन यानी मोरनी कहते हैं। और कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से दोनों पक्षियों को, बोतार दोनों पक्षियों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? पीफॉल, है ना, पीफॉल का मतलब क्या होता है? मयूर। इनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? मयूर। देखो ये जो मोर है ये जो, इसको हम कहते हैं मयूर, लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक नर होता है एक मादा होती है। नर को हम कहते हैं मोर और मादा को हम कहते हैं मोरनी, लेकिन सामूहिक रूप से जब दोनों को कहा जाता है तब हम इसे मयूर कहते हैं।